अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7 दोहा दशक, जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10 पोएम, वही इसका ये फाइनल पार्ट है इस ये वाला। इसमें हम लोग 9 और 10 आखिरी के दो दोहे जो है रहीम दास के वो पढ़ेंगे, दोहा नंबर 9 और दोहा नंबर 10। जो आखिरी का दो दोहा है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग दोहा नंबर 9 से शुरू करते हैं। रहीमन यही संसार में सब सो मिलिए धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिली जाए। यही मतलब इस संसार मतलब दुनिया, ठीक है। रहीम दास जी कहते हैं प्रस्तुत पद में, रहीम दास जी कहते हैं कि कहना चाहते हैं कि इस संसार में, इस जग में, इस दुनिया में जो लोग भी मिलते हैं, जो लोग भी वास करते हैं, सबसे हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ हमें अच्छे से मिलना चाहिए। जो भी मिले हमें उनके साथ अच्छे से मिलना चाहिए, अच्छा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। ना जाने के ही रूप में, के ही मतलब किस रूप में नारायण मिली जाए, नारायण मतलब ईश्वर को यहाँ कहा गया है। यहाँ पे रहीम दास जी कह रहे हैं कि संसार में जो लोग भी हमसे मिलते हैं या फिर हम जिनसे मिलते हैं उनसे हमें बहुत ही अच्छे से मिलना चाहिए। जब भी मिले हम उनसे प्रेम से मिले, प्रेम से मिले, मुख में हंसी हो, दिल खुश करके हम उनसे मिले, सबसे हमें अच्छे से मिलना चाहिए और सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में हमें ईश्वर मिल जाते हैं, ना जाने किस रूप में हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए, ईश्वर हमें मिल जाए, इसलिए हमें फरिश्ते मिल जाए, किस रूप में हमें ईश्वर मिल जाए, इसलिए हमें ये बहुत ही ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि हम जिससे भी मिले अच्छे से मिले, जिसके साथ जो भी व्यवहार करे अच्छा करे, अच्छा व्यवहार ईश्वर को भी पसंद आता है, अच्छे से मिलना ईश्वर को भी पसंद आता है। तो इसीलिए हर किसी से इस संसार में हमें बहुत ही अच्छे से मिलना चाहिए, क्या पता किस रूप में हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए, ईश्वर मिल जाए और ईश्वर हमसे खुश हो जाए, ठीक है। ये था नंबर 9। नंबर 10 में कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित। संपत्ति मतलब पैसा, सगे मतलब रिश्ते नाते, बनत बहुत मतलब बहुत सारा, रीत मतलब रीति रिवाज, विपत्ति कसौटी मतलब मुसीबत के समय जो साथ देता है, जे कसे जो साथ देता है, ते ही साचे मित वही, ते ही मतलब वही, साचे मतलब सच्चा और मित मतलब मित्र दोस्त, ठीक है। तो प्रस्तुत पद में रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि संपत्ति कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। तो प्रस्तुत पद में रहीम दास जी क्या कहना चाहते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है तो हमारे बहुत सारे रिश्ते नाते बन जाते हैं, जब हमारे पास पैसा रहता है तो बहुत सारे हमारे पास रिश्ते नाते बन जाते हैं, बनत बहुत बहुरीत, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे रिश्ते नाते हमारे साथ जुड़ जाते हैं, नए नए रिश्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, जिन्हें हम जानते नहीं वो भी हमारा मित्र बन जाते हैं क्योंकि हमारे पास उस वक्त पैसा रहता है। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र, लेकिन हमारा सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त वही है जो हमारा मुसीबत में साथ देता है, जो मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहता है, जो मुसीबत में हमारा साथ देता है, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ये सब तो जो रिश्ते जो पैसे के लिए हमारे पास आते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, वो रिश्ता नाता सिर्फ दिखावा के लिए। जब पैसा हमारे पास से चला जाएगा तो वो रिश्तेदार भी चले जाएंगे, दिखावा का वो रिश्तेदार है, दिखावे के लिए वो हमारे पास आते हैं, दिखावा ही करते हैं वो। जैसे ही पैसा हमारे पास से चला जाएगा वो रिश्ते नाते भी सब चले जाते, पैसे के साथ वो भी चले जाते, लेकिन हमारा सच्चा मित्र वही होता है जो हमारा दुख के समय साथ देता है। भले ही वो हमारे साथ खुशी में ना रहे, भले ही वो हमारा साथ ना दे, लेकिन जो दुख के, क्योंकि पैसा जब आता है नए नए रिश्ते बनते हैं तो हम पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कौन हमारा साथ दिया है, कौन हमारे साथ रहा है, कौन हमें किस तरह से मदद किया है। तो इसलिए जो दुख के समय हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। पैसा पास में रहने पे बहुत सारे अनजान लोग भी हमारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन लोगों की परख तब होती है जब हम मुसीबत में हो, जब हम दुख में हो, जब हम मुसीबत में हो, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं उस समय वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, जो दुख में तकलीफ में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो रहीम दास जी ने भी यही कहा है
पैसा पास में होने से बहुत सारे रिश्ते नाते बन जाते, बहुत सारे रीति रिवाजे बन जाती है, लेकिन विपत्ति के समय, दुख के समय जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल पार्ट था पोएम का, पोएम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।